प्लॉटिंग के आगे पड़ रहे देववृक्ष को काटा, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। प्लॉटिंग की जमीन के आगे सरकारी जमीन पर लगे पीपल के पेड़ को प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं ने कटवा डाला। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर वन क्षेत्राधिकारी ने दरोगा को भेजकर जांच करवाई। वन दरोगा की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे पर एपेक्स स्कूल के बगल में सरकारी जमीन पर विशालकाय देववृक्ष पीपल का पेड़ लगा हुआ है। पेड़ के पीछे की जमीन पर प्लॉटिंग कराया जा रहा है। प्लॉटिंग के सामने से पीपल के पेड़ को हटाने के लिए पीपल के पेड़ को काटने की योजना प्लॉटिंग माफिया बनाई। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश श्रीवास्तव ने पीपल के पेड़ की मोटी मोटी डालों को काट जाने की शिकायत मुख्यमंत्री समेत जिले के उच्च अधिकारियों से की। वन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज अभिषेक सिंह ने वन दरोगा राम विनोद यादव को भेजकर जांच कराई। जांच में पता चला कि पीपल के पेड़ के पीछे की जमीन फरकुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन निवासी होलीपुरवा हुजूरपुर क्रय कर प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने सहयोगी इम्तियाज अंसारी व साजू उर्फ फिरोज हुसैन समेत पांच अन्य व्यक्तियों के साथ जानबूझकर पीपल के मोटी मोटी शाखाओं को जानबूझकर काट दिया। प्लॉटिंग कार्य में बाधक होने के कारण उसे काट कर जीसीबी मशीन से जड़ को खोद कर नष्ट करने का प्रयास किया है। संरक्षित वन क्षेत्र में चोरी से पेड़ काटने का काम किया गया। वन क्षेत्र अधिकारी कैसरगंज अभिषेक सिंह ने बताया कि वन दरोगा राम विनोद यादव की तहरीर पर कैसरगंज थाने में फरुखुद्दीन पुत्र साहबुद्दीन निवासी होलीपुरवा पुरैनी हुजूरपुर इम्तियाज अंसारी पुत्र अज्ञात व पांच अज्ञात के विरुद्ध चोरी से पेड़ काटना, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 30 व 33 की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पीपल के पेड़ की कुछ लकड़ी बरामद कर ली गई है। शेष की खोजबीन जारी है।